जब इस संसार में अत्याचार होता है तो स्वयं भगवान आ जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान विष्णु जिन्होंने ये दुनिया बनाई, उन्होंने राम जी का अवतार लेकर अत्याचारी रावण का वध करके संसार को बुराई से मुक्ति दिलाई। तो बोलो, भगवान श्री राम की जय। भगवान श्री राम की जय। जहांपना, काफी देर से महसूस कर रहा हूं कि आप लगातार कुछ सोच रहे हैं। आप सही कह रहे हैं बिरबल, हम वाकई कुछ सोच रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं जहांपना कि आप क्या सोच रहे हैं? दरअसल हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं बिरबल, लेकिन आप कहीं नाराज ना हो जाएं इसलिए हम आपसे कुछ पूछ नहीं पा रहे। आप हमारे सलाहकार से पहले हमारे मित्र हैं। हम अपने सवाल से अपने मित्र को नाराज नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है जहांपना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पूछे गए सवाल से मैं नाराज नहीं होऊंगा। आप निश्चिंत होकर अपनी बात कहें। तो सुनिए बिरबल, हमें आपके दर्शन शास्त्र समझ नहीं आ रहे। हमारे मुताबिक आपके भगवान और हमारी स्थिति बिल्कुल एक सी है। हम हमेशा बुराई को हराने के लिए अपने सहायकों को देश के कोने कोने में भेजते हैं, क्योंकि हर जगह हमारा उपस्थित होना मुमकिन नहीं है। मगर आपके भगवान जिसने संसार बनाया है, वो तो हर बुराई को कुचलने के लिए स्वयं धरती पर आ जाते हैं। कभी राम तो कभी कृष्ण और कभी परशुराम बनके। ऐसा क्यों बिरबल? इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर होने के बावजूद आपके भगवान बुराई को खत्म करने के लिए अपने सहायकों को क्यों नहीं भेजते? आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है जहांपना। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने ही शास्त्रों का इल्म नहीं? नहीं जहांपना, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बातों से तो हमें यही महसूस हुआ बिरबल, और ये कहते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे दरबार के सबसे बेशकीमती रत्न को अपने ही धर्म की पूरी जानकारी नहीं। हम आपको हमारे सवाल का जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त देते हैं। अगर आप हमें सही जवाब नहीं दे पाए तो मजबूरन हमें आपसे विशेष सलाहकार का पद वापस लेना। निंदिया रानी आ जाओ, मुन्ने को सुना जाओ, सपने में परियां आएंगी, प्यार से सहलाएंगी, झूला भी झुलाएंगी। निंदिया रानी आ जाओ, मुन्ने को सुला जाओ। क्या बात है जहांपना, आपके माथे की सिलवटे बता रही हैं कि आप परेशान हैं। बेगम, आज हमने बिरबल से उनके धर्म को लेकर एक सवाल किया था जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। हम सुन रहे हैं जहांपना। आपको तो पता ही है बेगम साहिबा के बिरबल हमारे सबसे खास सलाहकार हैं। जिस औहदे पर वो हैं, उस औहदे पर रहने वाले हर शख्स को अपने धर्म का इल्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश सिर्फ बातों और कानून व्यवस्था से नहीं बल्कि धार्मिक गतिविधियों से भी चलता है, और धार्मिक गतिविधियों को सही ढंग से वही चला सकता है जिसे उसका इल्म हो। इसलिए हमारे सलाहकार को अपने धर्म का इल्म होना जरूरी है। आप चिंता ना करें बादशाह हुजूर, बिरबल बहुत तेज बुद्धि के हैं। आज नहीं तो कल वो आपके सवाल का जवाब जरूर दे देंगे। अगर नहीं दे पाए तो उन्हें विशेष सलाहकार के पद से हमें हटाना होगा बेगम। आज शहजादे को गर्मी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। आप उन्हें लोरी सुनाइए, हम पंखा चलाते हैं। आइए। आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है स्वामी, फिर आपने महाराज को उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं भी एक साधारण मनुष्य ही हूँ उर्वशी, उस वक्त मुझे जहांपना के सवाल का जवाब नहीं सूझा। सच कहूँ तो मैं अब तक उनके सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाया कि संसार बनाने वाले भगवान
संसार की बुराई को खत्म करने स्वयं क्यों चले आते हैं, जबकि इस काम के लिए वे अपने विशेष सहायकों को भी भेज सकते हैं। आप चिंता न करें स्वामी, आपको जल्द ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है। रात बहुत हो चुकी है, चलकर आराम कर लीजिए। नहीं उर्वशी, जब तक मुझे जहांपनाह के सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मैं सो नहीं पाऊंगा। मैं जरा बाहर टहल कर आता हूं। शेर? बिरबल, क्या आपको हमारे सवाल का जवाब मिला? मुझे पूरी उम्मीद है जहांपनाह, आपकी तय सीमा से पहले ही मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा कि मुसीबत के समय भगवान हमारी रक्षा करने स्वयं धरती पर आने की बजाय अपने सहायकों को ही क्यों नहीं भेज देते। हमें भी आपकी उम्मीद पर उम्मीद है बिरबल। ये क्या सुलोचना शहजादे को लेकर नाव के किनारे पर क्यों खड़ी है? क्या इसे इतनी भी समझ नहीं है कि बहता हुआ पानी कभी भी नाव को झटका दे सकता है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है? शहजादे! हे भगवान, ये क्या हुआ? जहांपनाह रुकिए, रुकिए जहांपनाह! शहजादे, शहजादे! जहांपनाह, आप ठीक तो हैं? ये क्या बेगम, शहजादे आपके पास हैं तो ये कौन है? गुड्डा, ये क्या सुलोचना, शहजादे की जगह गुड्डा पकड़ा हुआ था तुमने? हमें जल्दी से इसका मतलब समझाइए, वरना हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। इसे माफ कर दीजिए जहांपनाह, इसमें सुलोचना का कोई कसूर नहीं, इसने जो भी किया मेरे कहने पे किया। अब तो हमारी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई है ये जानने के लिए बिरबल कि आपने हमारे साथ ऐसा बेहुदा मजाक क्यों किया। ये मजाक नहीं है जहांपनाह, बल्कि अपनी बात आपके सामने बेहतर तरीके से रखने की ये मेरी सिर्फ एक कोशिश भर है। साफ साफ बताओ बिरबल, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जहांपनाह, आप जानना चाहते थे ना कि भगवान हम लोगों को मुश्किल में देखकर अपने सहायकों को भेजने के बजाय हमारी रक्षा करने स्वयं क्यों चले आते हैं। मैं आपको बस वही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बात है तो ठीक है बिरबल, हमें खुलकर अपनी बात समझाइए। जहांपनाह, जिस प्रकार आप अपने बच्चे को खतरे में देखकर उसे बचाने के लिए स्वयं दौड़ पड़े, मैंने आपको रोकना चाहा, लेकिन आप नहीं रुके। यहाँ तक कि आपने किसी सैनिक को भी शहजादे को बचाने के लिए नहीं कहा। उसी प्रकार संसार बनाने वाले भगवान के लिए हम सब उनके बच्चे हैं। हमें मुसीबत में देखकर वो ठीक वैसे ही बेचैन हो जाते हैं जैसे आप अपनी संतान को लेकर हुए, इसीलिए वे हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं धरती पर आ जाते हैं। बिरबल, आप सच में लाजवाब हैं। हर बार की तरह इस बार भी
आपने अपनी बात को कहने का बेहद खूबसूरत तरीका निकाला है। हमें आप पे गर्व है बिरबल, और इसी बात पर हमारे गले लग जाइए। बादशाह अकबर जिंदाबाद, बिरबल जी जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद, बिरबल जी जिंदाबाद।